Hi guys, my name is Akshay and welcome to Vijaya's Recipes. आज की हमारी रेसिपी है मूली के पत्तों की चटनी. Honestly, this sounds like Sonu ki Tito ki Sweetie, the film. मूली के पत्तों की चटनी and it actually I felt very confused कि मैंने मम्मी को बोला कि ये मूली के पत्तों की चटनी क्या होती है. मुझे पता नहीं हरी चटनी, ग्रीन कोरिएंडर चटनी होती है और वो सब, बट मैंने मूली के पत्तों की चटनी के भी सुना नहीं था. और मम्मी ने बोला कि चुपचाप खा ले, सेहत के लिए अच्छा है. मैंने कहा चलो ठीक है, सेहत के लिए अच्छा है तो गाइस खाना ही पड़ेगा. सो यस, आई डोंट नो व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर गोना बी, बट मम्मी ने इतना बोला कि सेहत के लिए अच्छा है तो खाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे जो मेरा फेवरेट खाना था वो क्लियरली मिलेगा नहीं. सो मूली के पत्तों की चटनी इज द रेसिपी व्हिच इज सर्व्ड विद पराठास, नान्स, रोटीज एंड स्टीम्ड राइस. And if you like today's recipe, please like, share and subscribe to our channel Vijaya's Recipes. And please do not forget to hit the bell icon so that you get all our notifications as soon as we upload the videos, guys. Let's make today's recipe. हमने यहाँ ये दो मूली लिए हैं. इसके पत्तों को हम कट कर लेंगे. इसी तरह हम ये दूसरी मूली के भी पत्ते हम अलग कर लेंगे. हमने ये दोनों मूली में से ये पत्ते अलग कर लिए हैं. इसमें हम ये मोटे स्टेम वाला पोर्शन हटा देंगे और ये पत्तों को अलग कर लेंगे. ये हमने मोटे स्टेम वाले पोर्शन हटा दिया है और ये पत्तों को हमने अलग कर लिया है. पत्तों को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे. हमने ये मूली के पत्तों को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है. अब हम इसे दो तीन बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे. ये बाउल के ऊपर ये स्ट्रेनर रखेंगे और ये मूली के पत्ते इसमें डाल देंगे. हमने ये मूली के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है. अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं. हमने गैस ऑन कर लिया है. कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. तेल गरम हो गया है. अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन, 1/4 कप पीनट, मूंगफली, 2 टेबलस्पून सफेद तिल, 1/4 टीस्पून मेथी के दाने, 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप, 1 इंच अदरक या जिंजर को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है. सबको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे. डालेंगे ये एक लेमन साइज्ड इमली या टैमरिंड, 1 टमाटो फाइनली चॉप्ड, 1/2 टीस्पून हल्दी, 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में टमाटर और ये मूंगफली सबको फ्राई कर लिया है. अब हम इसमें डालेंगे ये मूली के पत्ते. हमने इसे धो लिया है. डालेंगे ये 1 टीस्पून नमक, 5 पत्तों को भी हम 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे. हमने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मूली के पत्तों को भी फ्राई कर लिया है. गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे.
ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल के इसे स्मूथ पेस्ट ग्राइंड कर लेंगे। हमने ये मूली के पत्तों का ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसे स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मूली के पत्तों की चटनी तैयार है। अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तड़का पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, 3 तड़के को हम इस चटनी में डाल देंगे। हमारा ये मूली के पत्तों की चटनी तैयार है। ये रोटी नान पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और इवन राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है।